आज जो ये प्रोग्राम हुआ ये 93 फील्ड रेजिमेंट की तरफ से हुआ है और ये हम आर्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने टैलेंट को जाहिर कर सके। आज ये पेंटिंग कंपटीशन हुआ और इसमें तकरीबन 12 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जिसमें हम अपना टैलेंट निखार सकें, हमें इन्होंने आज टैलेंट मौका दिया है अपने टैलेंट को निखारने का। और हम यहाँ पे हमारे इस कंपटीशन में 12 स्कूल ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, जिनमें से अभी हमें थोड़ी देर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज़ की भी बताएंगे कि किसने लिया है। लेकिन हमें सबसे पहले अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें रिवार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आर्मी ने यह जो अपना मौका निखारने का मौका दिया है। क्योंकि आज ही कुछ स्कूल जो हैं, कुछ नए बच्चे आए हैं आज यहाँ पे कंपटीशन में, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले एक साल से जैसा आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरी दुनिया में जो है वो बच्चे जो सबसे ज़्यादा सफ़र हुए हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है। और कोविड के बाद बच्चे जो एक साल घर रहने के बाद, अभी आपने देखा कि अभी कुछ चंद दिन हुए हैं खासकर हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है स्कूल खुले हैं, तो आज जो है आर्मी ने एक बच्चों को जो है इनक्रेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को इनक्रेज किया है, ताकि बच्चों के अंदर जो काबिलियत है, जो पोटेंशियल है, उसको कैसे बाहर निकाला जा सके। तो उसका एक ही रास्ता होता है कि इस तरह से पेंटिंग जो कंपटीशन, चाहे वो पेंटिंग हो, एसे राइटिंग हो, कुछ भी हो, उसके ज़रिए जो निकाला जाता है। तो हम आर्मी का जो अच्छा इनिशिएटिव है, खासकर ये 93 जो फील्ड रेजिमेंट जो पुंछ में इस टाइम जो है तैनात है, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और हमें भी एक मौका दिया है कि हमने उन हमारे स्कूल में जो उन्होंने एक जो पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है।